Welcome, student. This is Vikas Garg. In last video, we had done seven principle of management out of fourteen, and in this video, we will be start the eighth principle of management, that is centralization and decentralization. First of all, centralization means the centralization or concentration of the authority at the top management. यानी कि स्टूडेंट्स सेंट्रलाइजेशन का मीन ये है कि जो पावर्स हैं उन पावर्स का कुछ ही हाथों में होना यानी कि उन पावर्स का टॉप मैनेजमेंट के पास होना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है हम अगर इसको समझें तो ये बंद मुट्ठी है जो भी पावर्स है वो केवल टॉप मैनेजमेंट के हैंड में रहेंगी और डिसेंट्रलाइजेशन का मींस ये होता है कि उन अथॉरिटीज को अगर हम शेयर कर दें मैनेजमेंट दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो कुछ पावर्स हैं वो कुछ हाथों में रहना सेंट्रलाइजेशन और उन पावर्स को अगर हम शेयर कर दें इन एट द ऑल लेवल दैट इज द टॉप लेवल मिडल लेवल और द लो लेवल दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन स्टूडेंट्स फ्यूल सजेस्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रॉपरली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना, होना चाहिए बल्कि इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए यानी कि इसने बताया हेनरी बोलता है ही फील दैट द टॉप मैनेजमेंट शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग वाइटल डिसीजन इन देयर हैंड यानी कि जो बड़े डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स वो तो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहने चाहिए उनका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और जबकि ऑपरेशनल जो अथॉरिटी है शुड बी गिवन टू द मिडल एंड द लो लेवल और जो यानी कि जो ऑपरेशनल अथॉरिटी है वो हमें उनका शेयर कर देना चाहिए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट्स इसने कहा फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी यानी कि अगर स्टूडेंट्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, कोई पॉलिसी सेट करनी है बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वो टॉप लेवल के हैंड्स में रहना चाहिए यानी कि उनका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें जैसे जो डेली रूटीन के डिसीजंस हैं जैसे मान लो कोई रो मटेरियल परचेज करना है किसी को लीव ग्रांट करनी है तो ये जो भी सारे डिसीजंस हैं वो उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए यानी कि वो मिडिल और लो लेवल को सौंप देने चाहिए राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन स्केलर चेन क्या होता है स्टूडेंट्स दैट इज द चेन ऑफ द सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक यानी कि जो ये एक स्टूडेंट देखिए इसको एक ग्राफ से आप समझ सकते हैं एक ये है मिस्टर ए इसके नीचे जो बंदे काम करते हैं टू हैं स्टूडेंट्स ये हो गया स्टूडेंट इसका ई e, ये आ गया एफ ये आ गया जी ये आ गया एच और जो दूसरी लेटर है स्टूडेंट्स वो है पी क्यू आर एस यानि कि स्टूडेंट्स ये बंदे इसके अंदर काम करते हैं तो स्केलर चेन क्या बोलती है स्टूडेंट्स ये कह रहा है स्केलर चेन जो है हाईएस्ट टू लोअर लोअर रैंक जाती है ऐसे अगर यानी कि ए को अपनी कोई इंफॉर्मेशन एच तक पहुंचानी है तो वो पहले ई को कम्युनिकेट करेगा ई एफ को करेगा एफ जी को करेगा और लास्ट में एच के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी राइट right स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर ए अपना कोई मैसेज एस तक ट्रांसफर करना चाहता है तो ए जो है पी को ट्रांसफर करेगा पी क्यू को क्यू आर को और ऐसे ही एस तक वो पहुंच जाएगी राइट right इसी प्रकार से अगर मान लो एच को अपनी कोई इंफॉर्मेशन आर तक या एस तक पहुंचानी है तो ये इसी प्रकार से चलेगी एच जी को जी एफ को एफ ई को ए को और ऐसे ही सभी पोस्ट को इंक्लूड करते हुए वो एस तक पहुंच जाएगी स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स कई बार ये होता है स्टूडेंट्स कि एच को कोई अपनी इंफॉर्मेशन एस तक पहुंचानी है और वो बहुत क्विकली पहुंचानी है यानी कि इतना टाइम नहीं है कि अगर इन सभी पोस्ट को हम शामिल करें एच जी को एफ को ई e को और इनको शामिल करें तो बहुत डिले हो जाएगा और जब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसका काम हो चुका होगा तो ये क्या कर सकता है एक स्पेशल एच जो है एस को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है स्पेशल सिचुएशन में जिसको स्टूडेंट्स हम गैंग प्लैंक बोलते हैं जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं राइट right स्टूडेंट्स तो इसमें स्केलर चेन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्केलर चेन में यही होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जितने भी अथॉरिटीज हैं जितने भी पोस्ट हैं सभी को शामिल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम लेवल जाएगी इसका फायदा यह भी होता है स्टूडेंट्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी बनती है तो वो सभी जो भी पोस्ट हैं सभी जितने भी इंप्लॉई हैं उनके पास सबके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है और उनको ये पता इजिली पता चल जाता है कि हमें कौन सा काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल अचीव करने हैं राइट स्टूडेंट्स गैंग प्लैंक के बारे में भी बताया गैंग प्लैंक जो स्केलर चेन का वो एक्सेप्शनल है और इस सिचुएशन में जो सेम पोस्ट वाले बंदे हैं जैसे एच एस एच मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है और जो सेल है वो परचेज मैनेजर है तो जो प्रोडक्शन मैनेजर वो परचेज मैनेजर से सेम लेवल पे सेम लेवल का रैंक वाला डायरेक्ट आप किसी भी इमरजेंसी में कम्युनिकेट कर सकता है जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टूडेंट्स जो ये बोलता है ये प्रिंसिपल बोलता है स्टूडेंट right ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को हर इंप्लॉई को उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको राइट right जॉब पर लगाया जाए और जो भी वस्तु है उसको ठीक स्थान पर रखा जाए राइट फ्रेंड्स यानी कि इसने बताया कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस राइट स्टूडेंट्स यानी कि देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो उसका हेड है हमने उसको

सुपरवाइजर की गाइडलाइन की जरूरत है तो उसको ये पता है कि जो हमारा सुपरवाइजर है वो अपनी वर्कशॉप में मिलेगा तो वो डायरेक्ट उस वर्कशॉप में उस से जाके सुपरवाइजर से मिलेगा और अपने जो भी उसको काम है उसकी बात कर लेगा तो इसका जो फायदा स्टूडेंट्स वो ये रहता है कि जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नहीं होती जो टाइम सेव है वो बच जाता है स्टूडेंट्स प्रिंस इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स इक्वालिटी

स्टूडेंट्स ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का इक्वलिटी रखनी चाहिए किसी भी सबोर्डिनेट के साथ किसी सेक्स ले से लेकर रिलीजन से लेके लैंग्वेज से लेके नेशनलिटी से लेके किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जैसे इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंट नेशंस के पीपल वहां पे इकट्ठे काम करते हैं राइट right स्टूडेंट्स तो वहां पे सभी को फ्री होना चाहिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यानी कि जो भी जिसके लिए कैपेबल है उसको वही काम उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और उसी के लिए सैलरी मिलनी चाहिए राइट स्टूडेंट्स यानी कि ना तो किसी का फेवर करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉई जो मैनेजर का रिलेशन में लगता है उसका रिश्तेदार है तो उसको ज्यादा सैलरी दे दी गई और जो दूसरा है उसको कम सैलरी दे दी गई स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसका वॉल्यूशन होगा राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल पर्सोनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहां पर इंप्लॉय इंप्लॉय यानी कि स्टूडेंट्स जो भी दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ जॉब इन सिक्योरिटी फ्रॉम द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज इफ द जॉब ऑफ अ पर्सन इज इनसिक्योर ही विल बी लुक आउट द जॉब एल्सर यानी स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारे इंप्लॉय काम करते हैं हमारे पास उनके मन में जॉब को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर इंप्लॉई के माइंड में ऐसी इनसिक्योरिटी होगी तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो कहीं और जॉब तलाश करेगा और जो कि जो उसका कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता है वो नहीं कर पाएगा मोर ओवर द पीरियड ऑफ सर्वाइव इन अपोजिशन शुड बी फिक्स और ये कहता है कि और ऑर्गेनाइजेशन को यह भी करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के लिए एक सर्विस पीरियड फिक्स कर देना चाहिए ताकि उसको जो भी उसमें क्या लिवर है दिखाने का एक मौका मिले क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो इंप्लॉय टर्नओवर है यह कहता है स्टूडेंट्स जो इंप्लॉय टर्नओवर है इंप्लॉय टर्न ओवर रेशियो वो बहुत कम होनी चाहिए स्टूडेंट्स इंप्लॉय टर्न ओवर है स्टूडेंट्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय आया और एक दो महीने उसने तीन महीने काम किया और वो फिर चला गया फिर कोई इंप्लॉय आया दो तीन महीने चार महीने के बाद वो फिर चला गया तो ये जो अगर टर्न ओवर रेशियो ज्यादा होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम किसी इंप्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो हम पहले एडवर्टीजमेंट भी करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद हम इंटरव्यू भी कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद हम उनको सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं उनको एक्सपीरियंस भी देते हैं उनका डेवलपमेंट पे भी खर्चा करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स जब हम किसी इंप्लॉई को हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉस्ट आती हैं और अगर वो दो तीन चार महीने के बाद अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो जो हमारी कॉस्ट है वो काफी हाई हो जाएगी स्टूडेंट्स राइट right?

जो भी उनके माइंड में जो उनकी क्रिएटिविटी है वह निकलकर आगे आएगी क्योंकि स्टूडेंट्स हर एम्प्लॉई के लिए हर एम्प्लॉई के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी माइंड होता है उनके अपने सजेशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकते हैं तो स्टूडेंट्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ये कहता है कि हमें हर एम्प्लॉई को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने सजेशंस अपनी क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के सामने दिखाएं ताकि उनको एक नए आइडियाज मिले राइट right, स्टूडेंट्स वर्कर शुड एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि स्टूडेंट्स इनिशियटिड इनिशिएटिव शुड भी एनकरेज यानी कि यह भी हो सकता है कि जो इंप्लॉई uh, ने अपने सजेशंस दिए हैं हो सकता है मैनेजमेंट या टॉप लेवल उनको ना माने स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर भी वर्कर्स जो हैं अपने उन्हीं अगर उन्होंने नहीं माने तो उन्हीं वे पे काम करते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स लास्ट वन जो प्रिंसिपल है फोर्टीन प्रिंसिपल स्पिरिट डी कॉप्स स्पिरिट डी कॉप्स फॉरन लैंग्वेज में है स्टूडेंट्स इसको हम यूनिटी इज स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं राइट right, स्टूडेंट्स और हम इसको टीम स्पिरिट भी बोल सकते हैं हम इसको दोनों ही बोल सकते हैं स्टूडेंट्स टीम स्पिरिट का मतलब होता है टीम भावना यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हेनरी फियोल का प्रिंसिपल है ये कहता है इस ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें वर्कर्स को इंडिविजुअली नहीं रहना चाहिए इंडिविजुअली काम नहीं करना चाहिए बल्कि टीम में रहकर काम करना चाहिए राइट right, स्टूडेंट्स और ये कहता है कि एक मैनेजर को भी हमेशा आई वर्ड के स्थान पर वी वर्ड का डब्ल्यूई वी -E यानी कि हम हम वर्ड का यूज करना चाहिए जब भी वो वर्कर से बात करते हैं तो उसमें जो है टीम स्पिरिट की भावना आती है राइट फ्रेंड्स यानी कि मैं के स्थान पर हम का यूज उसको करना चाहिए इसको हम एक एग्जाम्पल की से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स जैसे सपोज कीजिए प्रोडक्शन मैनेजर ने एक ग्रुप को कोई 200 यूनिट्स या मान लो 200 शर्ट बनाने का एक उनको टारगेट दिया उस ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं राइट right स्टूडेंट्स तो उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने कहा ए प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर ने 200 हंड्रेड शर्ट्स बनाने का टारगेट ग्रुप ए को दिया ग्रुप ए को इट एज 10 मेंबर्स यानी कि ए ग्रुप ने क्या कहा 20 शर्ट पर एम्प्लॉई या पर वर्कर बनाएगा राइट right स्टूडेंट्स तो यहां पे क्या हुआ एक वर्कर्स जो था वो बीमार हो गया स्टूडेंट्स। एक वर्कर बीमार हो गया तो यहां पे हमें ट्वेंटी शर्ट पर वर्कर्स की काउंटिंग नहीं करनी स्टूडेंट्स। हमें ये देखना है कि ग्रुप ए ने 200 शर्ट बनानी है यानी कि स्टूडेंट जो एक वर्कर ये बीमार हो गया इसका जो काम था वो सभी जो नो वर्कर्स हैं आपस में डिवाइड कर लें तो अगर वो ऐसा करेंगे तो जो एक ग्रुप है वो टू हंड्रेड शर्ट इजिली मेड कर सकता है यानी कि स्टूडेंट्स ये हुई टीम स्पिरिट इंडिविजुअल नहीं है अगर इंडिविजुअल होता तो हमारा केवल 180 शर्ट ही मैन्युफैक्चर हो पाती जबकि अगर स्पिरिट डी कोप्स या यूनिटी स्ट्रेंथ या टीम स्पिरिट को लिया गया है तो एक ग्रुप ने 200 शर्ट्स बनाई राइट स्टूडेंट्स ये हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे जो कि हेनरी फोल ने प्रिपाउंड किए थे और जो कि काफी यूजफुल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज डेवलप्ड बाय द एफ डब्ल्यू टेलर करेंगे थैंक यू